मसूरी में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने पारंपरिक नृत्य और नाग देवता के जयकारों के साथ मंदिर पहुंचे, जहां गणेश पूजन किया, जिसके बाद 9 दिनों का पाठ प्रारंभ हुआ, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य रेखा डंगवाल ने भी शिरकत की। मसूरी के ग्राम सभा तोनेटा में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पारंपरिक नृत्य के साथ भक्त नाग देवता के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे, जहां पहले गणेश पूजन और हवन और भंडारे का आयोजन किया गया, उसके बाद 9 दिन का पाठ आरंभ हुआ। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य रेखा डंगवाल ने भी हिस्सा लिया और मंदिर के प्रति लोगों की आस्था का जिक्र करते हुए कहा कि नाग देवता के मंदिर में क्षेत्रवासियों की बहुत गहरी आस्था है और इस मंदिर को भव्य रूप इसीलिए दिया गया है। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आकर नाग देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी आचार्य बामदेव कोठारी ने बताया कि प्रातः 4 बजे मूर्ति का स्नान हरिद्वार में कराया गया और अब 9 दिवसीय पाठ का आयोजन किया गया है। इस मंदिर की जो मान्यता है ये वर्षों से चली आ रही है, मतलब हमारे पूर्वजों से चली आ रही है ये मान्यता। और जैसे अभी मंदिर तो पहले छोटा था, अब सबके सहयोग से मंदिर को बड़ा बनाया गया और कल यहाँ से हरिद्वार के लिए सभी श्रद्धालु और जो क्या कहते हैं पुरोहित हैं, सब पंडित वगैरह सब हरिद्वार गए, हरिद्वार पालगी को लेके स्नान वगैरह करवाया और कल ही शाम और जो नई मूर्ति नागराज की नई मूर्ति लाई और आज कलश यात्रा के साथ सभी महिलाओं ने पालगी का और मूर्ति का भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत करते करते मंदिर तक पहुँचे। ये जो है हम लोग 9 दिवसीय यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर नाग देवता मंदिर में, और कल हमने 24 तारीख को हम लोग हरिद्वार में गए और वहाँ पर जाकर के डोली के साथ सुबह गंगा स्नान किया और जो नई मूर्ति हमारी नाग देवता की आई है उसको हमने आज सुबह लाया। सुबह प्रातः काल 4 बजे गंगा स्नान करके उसके बाद यहाँ जोड़ी गांव से लेकर के ग्राउंड से लेकर के और मंदिर तक कलश यात्रा के साथ यहाँ पर मूर्ति भी और डोली भी आई और ये कार्यक्रम हमारा 9 दिन तक चलेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।